पानी का गरजना सुनिए। ये पानी का रौद्र रूप है। तस्वीरें मसूरी के कैंपी फॉल की हैं, जहां पूरे देश से लोग घूमने आते हैं। रविवार को छुट्टी होने की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहां पहुंचे, लेकिन अचानक झरने से ज्यादा पानी बहने लगा। देखते ही देखते अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने स्थानीय व्यापारियों की मदद से 180 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। कैंपटी फॉल की ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि रविवार को अचानक कितना पानी आ गया। सामान्य दिनों में झरने का बहाव बेहद कम होता है, लेकिन रविवार को ये अचानक से बढ़ गया। ये बाबा केदार का दर है। सितंबर में यहाँ काफी श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अभी सन्नाटा पसरा है। भूस्खलन ने भक्तों का रास्ता रोक दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। नेशनल हाईवे 107 जो केदारनाथ धाम को जोड़ता है, उस रास्ते पर भूस्खलन से खतरा बढ़ गया है। मौसम की मार आस्था पर भी भारी है। जहां जगह जगह नेशनल हाईवेज बंद हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर हेलीकॉप्टर को भी उड़ने की परमिशन सरकार ने नहीं दी है। उतने पहाड़ हैं और उफनती नदियां, बस यही एक नसीब है पहाड़ का। इतनी दुश्वारियों के साथ यहां पहाड़ के लोग जीते हैं। नदियां इतनी जबरदस्त तूफान पर है, ये मंदाकिनी नदी है, लेकिन यहां से पार जाने का इसके अलावा कोई भी और दूसरा साधन मौजूद नहीं है। बारिश अपने पूरे चरम पर है, ऐसे में पूरी तरह से पहाड़ दरक रहे हैं और नदियां पूरे उफान पर हैं। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। अलकनंदा के घाट पानी में डूबे हुए हैं। ये घाट नमामि गंगे परियोजना के तहत करोड़ों की कीमत से बने हैं। भगवान शिव की 18 फीट से ऊंची मूर्ति भी पानी में समाई हुई है। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में जल तांडव अभी जारी है। हम इस समय अलकनंदा घाट पर रुद्रप्रयाग जिले में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरे के पूरे घाट जलमग्न है, अलकनंदा में समाये हुए हैं। 27 फीट ऊंचा ये गंगा इस समय बह रही है और इससे अंदाजा लगाना काफी आसान है कि क्या आवेग और किस करंट के साथ ये गंगा बह रही है। सामने अगर आप देखें तो शिव मूर्ति आपको दिखाई देगी। शिव मूर्ति आमतौर पर बताया जाता है कि शिव मूर्ति करीबन 15 से 18 फीट की ऊंचाई पर ये है, लेकिन जिस तरीके से गर्दन तक भगवान शिव के जल निकल रहा है, उससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि गंगा का फ्लो क्या है और गंगा इस समय कितने आवेग और कितनी ऊंचाई पर बह रही है।